नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे परिसंपत्ति विवाद पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की, जिसमें परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने पर चर्चा हुई। बता दें कि राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच 21 सालों से परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला अभी तक नहीं हल हो पाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पिछले 21 सालों से चले आ रहे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति विवाद मामला क्या जल्द सुलझेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की, परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने पर चर्चा की। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 21 सालों से परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। दरअसल परिसंपत्ति विवाद को लेकर कई मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं। इनमें राजस्व, सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाएं, परिवहन, पर्यटन और कार्मिकों के आवंटन के मामले शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन सभी मामलों पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच अहम चर्चा हुई है। देखिए, अनुकूल माहौल है। केंद्र में भी हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है और उत्तराखंड में हमारी सरकार है। आपने देखा होगा त्रिवेंद्र जी के समय पर जब वो मुख्यमंत्री थे तो समय भी काफ़ी कुछ समाधान हुए हैं, जैसे हरिद्वार के मामले काफ़ी सेटल हुए हैं। और वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और परिसंपत्तियों बंटवारे पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ योगी जी भी उत्तराखंड से हैं तो इसका लाभ हमको मिलेगा और काफ़ी हद तक उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के कई मामले जहां कोर्ट में लंबित हैं, वहीं कुछ को लेकर दोनों राज्यों के बीच आपस में बातचीत चल रही है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत आज हुई। उत्तराखंड के सचिव पुनर्गठन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अफसरों के समक्ष एक प्रेजेंटेशन भी रखा। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए इसे सिर्फ एक खानापूर्ति और जनता की आंखों में धूल झोंकना ही बताया है। वहीं जानकार भी कह रहे हैं कि ये समय डबल इंजन की ताकत को दिखाने का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये मुख्यमंत्री बदलो, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाओ वाली सरकार जो है बातें बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन धरातल पर काम कुछ हुआ नहीं है। और यही बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लेकर के तीरथ सिंह रावत और पुष्कर धामी जी ऐसी आदर्श स्थिति में कि जब केंद्र में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भारी बहुमत वाली भाजपा की सरकारें हो, परिसंपत्ति के बंटवारे पर अभी 5वें साल भी बातचीत में अटके हुए हैं, परिणाम कुछ नहीं आ रहा है। उत्तराखंड 21 साल हो गए बने हुए, उसके बाद जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है उस पर अभी तक कोई जो है निर्णय नहीं हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ी खामी अगर देखी जाए तो उत्तराखंड सरकार की है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की। लेकिन अगर मैं देखा प्रसंत बंटवारे में देखा जाए तो वर्तमान में जो है उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो इनको परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो उत्तराखंड के जो हक में जो संपत्तियाँ थी उनको देना चाहिए था। कुल मिलाकर परिसंपत्ति विवाद मामले को सुलझाने के लिए समय समय पर बैठकें तो हुई, लेकिन अब तक राज्य को कोई खास उपलब्धि नहीं मिल पाई। निश्चित ही मौजूदा सरकार एक बार फिर से कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये कोशिश क्या सफल हो पाएगी इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। हरिद्वार में 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक वितरित करेंगे। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत कई लोग भी उपस्थित होंगे। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन तैयारी में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद अक्टूबर 2019 में भी हरिद्वार आए थे। उन्होंने पत्नी सविता कोविंद के साथ हरिद्वार के कनकल स्थित हरिहर आश्रम में पहुंचकर श्री पारदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। इस दौरान जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज की देखरेख में उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी।
उत्तराखंड में स्थित कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के कॉटेज में तोड़फोड़, आगजनी और फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में गठित भवाली, भीमताल और मुक्तेश्वर पुलिस की टीमें बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी चंदन सिंह लोधियाल, उमेश मेहता, किशना सिंह बिष्ट और राजकुमार मेहता को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। पिछले दिनों बीजेपी से जुड़े लोगों ने सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुओं के लिए की गई टिप्पणी से नाराज होकर उनके रामगढ़ के सतखोल में स्थित कॉटेज के शीशे तोड़ दिए और घर के दरवाजों पर आग लगा दी थी। पुलिस ने केयरटेकर की तहरीर पर राकेश कपिल समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सितारगंज में उत्तराखंड की लोक गायिका प्रियंका मेहर के नृत्यकी कहने वाले बयान पर बीजेपी कार्यकर्ता और पर्वतीय समाज के लोगों ने सितारगंज के मुख्य चौक पर सुरेश गंगवार का पुतला फूका और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि उत्तराखंड में किसी भी जाति धर्म की बहनों का अपमान नहीं सहा जाएगा। अगर सुरेश गंगवार की तरफ से अपने दिए गए बयान पर सार्वजनिक तौर पर माफी ना मांगी गई तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। अजय काछत पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने कहा है कि पर्वतीय समाज के लिए गलत टिप्पणी की गई है। जिस कलाकार ने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया उसे नृत्यकी कहकर सुरेश गंगवार ने गलत संदेश दिया, जिसका सभी बीजेपी कार्यकर्ता और पर्वतीय समाज के लोग विरोध करते हैं। एक पार्टी के सम्मानित जो है नेता है, समाज सेवी है, जिस प्रकार से पर्वतीय समाज के लिए गलत टिप्पणी उनने करी है, एक कलाकार के लिए गलत टिप्पणी करी है, मुझे ऐसा लगता है विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये हमेशा एक समाज के प्रति, मुझे ऐसा लगता है एक पर्वतीय समाज ऐसा सतर्कन के नहीं है, अन्य विभिन्न परिवार भी हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता, मुस्लिम के खिलाफ क्यों नहीं बोलता, अन्य सिखों के खिलाफ क्यों नहीं बोलता, पर्वतीय समाज इसके दिमाग में क्यों आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य स्थापना के किस सालों बाद भी सरकारें कुछ विशेष नहीं कर पा रही हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव मूलभूत समस्याओं को लेकर होने चाहिए। बद्रीनाथ यात्रा से लौटते समय कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वनाधिकार कानून 2006 के तहत हमें हमारे हक हुकूक वापस मिलने चाहिए। 2022 के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद अब तक ऐसा कुछ भी विशेष नहीं हुआ जो आज हम उपलब्धि के तौर पर बता सकते हैं। मैंने दो बातें कही हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जो है सरकार की परिभाषा बदलनी चाहिए। सरकार का काम होना चाहिए लोगों के जीवन को सुरक्षा दे, उनको उनका पेट जो है, जो भूख है उसको शांत करने की व्यवस्था करें, इसके अलावा उनके तन पर वस्त्र हो उसकी व्यवस्था करें, उनके हाथों को काम दें और उनको रहने के लिए एक छत दें। अब ये मेरे ख्याल से नई परिभाषा सरकार की ये बहुत ज़रूरी जो है, और ये भगवान महाराजा कर्ण की धरती से हम ये उद्घोष यहाँ से होना चाहिए। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस छोड़कर साल 2017 के चुनाव में बीजेपी से केदारनाथ विधानसभा प्रत्याशी शीला रानी रावत ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने हार के लिए अपनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अपनी नैया अपनों ने डुबोई है। कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही उन्हें हार का मुंह दिखा दिया, जिस कारण कांग्रेस को जीत हासिल हुई। ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी को अभी से निर्णय लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें जहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी पूर्व विधायक, लेकिन फिर भी नाराज नजर आ रही है। पत्रकारिता मिलन संगोष्ठी का उन्होंने आयोजन किया है, साथ ही कहा कि अपनों ने ही अपनों की नैया डुबोई है। क्यों नहीं है, एक एक साल की हमारी सदस्यता निरस्त हुई और केवल हम दो ही विधायक तो रहे, जसपुर के और मैं, डॉक्टर सिंगल और मैं। और हमने अभी समीक्षा बैठक में कहा है उन परिस्थितियों की जरूर समीक्षा की जाए कि वो सीट क्यों लूज हुई। माननीय मोदी जी को भी अब पता चला कि यहाँ केदारनाथ जो उनका सर्वप्रिय है, वहाँ जो है केदारनाथ में भाजपा का ही विधायक नहीं। यहाँ पे जो है जो बगावत करी जिन लोगों ने, पूरा संगठन तितर बितर हो गया था। जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था, मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया था, तो तालमेल ऊपर जो हाईकमान है और जो नीचे है जिले में, उनका जो है तालमेल नहीं।
उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार के आश्वासन के बाद भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिससे तीर्थ पुरोहित हक हुकधारी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। 30 नवंबर तक सरकार की ओर से मामले में सकारात्मक जवाब नहीं आने पर तीर्थ पुरोहितों ने विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया। यही नहीं, पूरे देश के तीर्थ पुरोहित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजकर देवस्थानम बोर्ड का विरोध भी करेंगे। गुरुवार को चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हुकधारी महापंचायत समिति के बैनर तले तीर्थ पुरोहितों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल और महामंत्री हरीश टिमरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कल भी बैठक हुई, आज भी आप लोगों से मुखातिब हैं। हमने ये तय किया है कि सरकार ने दो बार हमको वचन दिया कि हम देवस्थानम बोर्ड भंग कर देंगे, लेकिन उसकी पहले मैं ये पिछला माह जो गया अक्टूबर का वो चला गया, 30 तक समय मांगा था सरकार ने, उसमें हुआ नहीं। अब केदारनाथ में जब ये हुआ तो उन्होंने कहा, उसमें मुख्यमंत्री के साथ में सुबोध उनियाल जी थे, हरक सिंह रावत जी थे, उन्होंने मूर्ति की ओर हाथ करके मतलब कसम खाई, भगवान को संबोधित करते हुए कसम खाई, शुक्ला जी गवाह हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रदेश सरकार समेत हरिद्वार में पुलिस विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 19 नवंबर को गंगा के घाट में स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस विभाग ने यातायात प्लान जारी कर दिया है। इसके जरिए ही प्रदेश के साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर हर साल की तरह इस बार भी भारी भीड़ जुटने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को अभी से चाक चौबंद कर लिया है। तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। कल कार्तिक गंगा स्नान है और मेला भी है, तो ऐसे में कोविड काल के बाद उम्मीद है कि भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऋषिकेश के सहायक श्रम आयुक्त के खिलाफ पंजीकृत श्रमिकों का गुस्सा भड़क गया है। श्रमिकों का आरोप है कि सहायक श्रम आयुक्त मजदूरों का उत्पीड़न कर रहे हैं। मजदूरों के नाम के लिए आने वाली तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। श्रमिकों ने बाजार से तहसील परिसर तक जुलूस निकालकर सहायक श्रम आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। तहसील परिसर में सहायक श्रम आयुक्त का पुतला फूंककर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। मौके पर दर्जनों श्रमिक सहायक श्रम आयुक्त के ट्रांसफर भी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सहायक श्रम आयुक्त पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जब से यहां पर के गुप्ता जी यहां पर सहायक श्रमिक बनकर आए हैं, तब से मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। रोजाना उनको जो है बंद करने की धमकी दी जा रही है, बंद कराने की तुम फर्जी हो, जबकि फर्जी कार्ड बनाने वाले यही लोग हैं, मोहर इनकी साइन इनका, आखिर कौन बना रहा कार्ड? कार्ड तो ये लोग बनाते हैं। और जब से ये आए हैं तब से 6000 साइकिल आपकी देहरादून में सड़ चुकी हैं, लेकिन मजदूरों को नहीं दी गई, और पूरा ऑफिस का सामान से भरा पड़ा है, लेकिन आज तक उन्होंने आवंटन नहीं किया। बच्चों की पढ़ाई का पैसा आज तक 3 साल से नहीं मिल पाया उनको, ना ही मजदूरों के लड़कियों के विवाह होते हैं उनके साथ मिलना चाहिए, उनको भी नहीं मिल पाया। आज के बेचारे जो जिन पति बीमार थे वो बैठ हो गई, उनका आवेदन किया गया। देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम को लेकर 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक प्रदेश भर के सभी शहीद सैनिकों के घर के आंगन की मिट्टी इकट्ठा करने का अभियान चल रहा है, जिसके चलते जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास समिति की तरफ से बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसान में शहीद तारा सिंह दसौनी के घर के आंगन से कलश में मिट्टी इकट्ठा की गई। बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 4 धाम के साथ सैन्य धाम को 5वां धाम बनाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और करीब 1 महीने तक ये चलेगा, जिसके तहत हर शहीद के घर की मिट्टी इकट्ठा की जाएगी, कलश में भरी जाएगी। कम काम ज्यादा, साफ नियत सही विकास, और वादे नहीं पक्के इरादे लेकर के ये है जो डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब देवभूमि आए थे तो उन्होंने कहा था देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम नहीं है बल्कि 5 धाम है, यह सैन्य प्रदेश है और 5वां धाम जो है अब सैन्य प्रदेश के रूप में जाना जाएगा, 5वां धाम बनने जा रहा है। उसी की कड़ी में एक युवा जो कहते हैं 13 वैभव अमर रहे माँ हम दिन 4 रहे ना रहे, ऐसे युवा शहीद तारा दसौनी जी के परिवार में हम लोग हैं। और अभी आपने देखा उनकी आंगन की पवित्र माटी को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और हमारे पूर्व सैनिकों ने
अभी जो है स्वीकार किया है, कलश में लेके गए हैं। ये सैन्य शहीद सम्मान यात्रा जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पहल की गई है, जिसका कार्यक्रम 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलेगा। हमारे जनपद के अंदर में भी 15 तारीख से हम लोगों ने आरंभ कर दिया है और लगभग 3 ब्लॉकों के हमने कार्य समाप्त कर दिया है इसमें, और आज हमारा 4th ब्लॉक है यानी विकासखंड बाजपुर में है। आज हमें 2 शहीद घरों से अंग्रेज सिंह और तारा सिंह दसौनी जी के यहाँ से हमने मिट्टी एकत्रित की है। इसके बाद में हम सोन लाल जी के घर साकर तक जाएंगे। कार्यक्रम आगे फिर 20 तारीख को हमने किच्छा रुद्रपुर और तथा इनका सम्मान समारोह जो है वो खटिया में आयोजित किया जाएगा 28 तारीख को, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सैनिक कल्याण मंत्री भी आएंगे। पौड़ी में बैकुंठ चतुर्थी पर संतान प्राप्ति के लिए उत्तराखंड में श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में 147 दंपति खड़ा दिया अनुष्ठान में शामिल हुए। बुधवार को गोधूली बेला से अनुष्ठान शुरू हुआ। अनुष्ठान के लिए 185 दंपति ने पंजीकरण कराया था। पिछले साल 108 दंपति अनुष्ठान में शामिल हुए थे। बुधवार शाम गोधूली बेला में कमलेश्वर मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने दीप जलाकर खड़ा दिया अनुष्ठान का शुभारंभ किया। आपने जैसे बोला है कि 2019 में जब मेरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने 7 दिन का मेले को 10 दिन का स्वरूप दिया था, और अभी भी हमारा ये जो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला है 5 दिन करवाने का जो हम लोगों ने डिसीजन लिया था, लेकिन उसमें हमारे बोर्ड का कोरम भी पूरा नहीं हुआ। 8 सभासद उससे नदारद थे और प्रशासन और शासन से हमें कोई सहायता नहीं मिली और ना ही कागजों में साइन हुए, तो इस कारणवश हमें मेले को 1 दिन का और अपने खर्चे पर करवाना पड़ा। देखिए, आज कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन जो है यहाँ मान्यता है कि आज के दिन जो खड़ा दीपक का व्रत करता है उसको संतान प्राप्ति की होती है हमें। तो जो है ये कथा एक पौराणिक कथा है जो इसमें देवासुर संग्राम के समय में जब देवताओं की हार होने लगे तो सारे जो है भगवान विष्णु जी की शरण में करके हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु जी ने बोला पहले शंकर भगवान का पूजन करता हूँ तब जाके हरकार सिद्ध होता है। तो भगवान शिव के सहत नाम होते सहत कमल के पुष्प लिए और तो यहाँ पर चढ़ाने लगे। ये भगवान शिव ने अपनी माँ से खुद छुपा दिया। जब 999 पुष्प चढ़ गए फूल कम रह गए तो भगवान विष्णु जी ने बोला पूजा से उठूंगा तो पूजा खंडित हो जाएगी, मेरी अधूरी छूट जाएगी। मेरे नेत्रों कमल नेत्र बोलते हैं, अपने एक नेत्र का संकल्प कर लिया। तो मैं सबसे पहले श्रीनगर वासियों को और प्रदेश वासियों को जो हमारा बैकुंठ चतुर्दशी में लगने वाला ऐतिहासिक मेला है उस मेले की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा पौराणिक मेला है इस मेले को संजोना ये हम सबका काम है, और मैंने इसी दृष्टि से एक पर्यटन सर्किट के रूप में इसको तीर्थाटन सर्किट के रूप में इसको विकसित कर रहा हूँ। और जो हमारे कमलेश्वर मंदिर है, धारी देवी का मंदिर है, पौड़ी दिग्वालेश्वर मंदिर है, त्रिशूल का मंदिर है और देवगढ़ का मंदिर है। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये पंक्तियां उस मासूम से नवजात बच्चे के लिए है जिसके पैदा होते ही उसे बड़ी ही क्रूरता से ममता का गला घोटकर खेत में फेंक दिया गया। रोने की आवाज ना आए इसके लिए बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। ये सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। क्या है पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। वो मासूम जिसने अभी दुनिया नहीं देखी उस नवजात को इतनी ठंड में कपड़े में लपेट कर खेत में फेंक देना, जिस मासूम की किलकारियां परिवार में खुशी बिखेर देती हैं, उसकी आवाज ना आए इसके लिए उस मासूम के मुंह में कपड़ा ठूस देना, ऐसी मानसिकता ने ये दिखा दिया कि अगर कोई गिरना चाहे तो किस हद तक गिर सकता है। पूरा मामला काशीपुर के ढकिया गुलाबों का है, जहाँ खेत में एक नवजात बच्चे को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फेंक दिया। ये किसी क्रूरता से कम नहीं, मगर बच्चे की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। इसलिए खेत में फेंका गया बच्चा एक व्यक्ति को दिखाई दिया, कपड़े से लिपटा और छटपटाहट का वो दृश्य देख उस व्यक्ति ने आसपास के लोगों को बुलाया और दिखाया कि इस कपड़े में कुछ है जो हिल रहा है। जब कपड़ा हटाया गया तो सभी हैरान थे क्योंकि कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात शिशु था जिसके मुंह में कपड़ा डाल दिया गया था, जिससे उसकी आवाज किसी को सुनाई न दे और बच्चे की जीवन लीला समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 2 बजे कुछ लोग एक नवजात शिशु को लेकर हमारे अस्पताल में आए और बच्चा जो है उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, ऐसा बता रहे थे कि उसके मुंह में रुमाल भी डाला हुआ था। तो हमने उसको भर्ती करा और उसका इलाज किया, अब वो बेहतर है और इस समय दूध भी पी रहा है, अब उसकी स्थिति में सुधार है और सामान्य है इस समय।
नवजात शिशु का 2 घंटे हुए हैं तो इस समय खतरे से बाहर है, बच्चा दूध पी रहा है, उसको हमारे हॉस्पिटल में पूरी केयर की जा रही है उसकी, और कुछ लोग संपर्क भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं बच्चे को, तो उनसे बात भी कर रहे हैं। वो SDM को सूचना दे दी है, वो अपने स्तर पे करेंगे इसको, देखेंगे। बच्चे की आवाज भगवान के कानों तक जरूर पहुंची होगी, जो बच्चा किसी तरह से बच गया वही सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल डॉक्टर्स की टीम बुलाकर बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और बच्चे को सकुशल फिलहाल सरकारी अस्पताल में रखा गया है। काशीपुर के ढकिया गुलाब क्षेत्र में एक नवजात शिशु को लावारिस अवस्था में छोड़कर उसके तिमाधार भाग गए थे। लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, नवजात शिशु को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो बहुत ही सुदृढ़ है, तंदुरुस्त है और बाकी ट्रीटमेंट उसका शुरू हो रहा है, जो भी टीके लगने हैं या फिर बाकी ट्रीटमेंट बच्चों का होना है। SDM महोदय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया, पुलिस के संरक्षण में वो बच्चे को दिया गया। साथ ही बाल कल्याण अधिकारी को भी हमारे द्वारा अवगत कराया गया, जिनके द्वारा ये बच्चे को विजिट किया गया। इसको कानूनी प्रक्रिया के बच्चे को लेके, बच्चे के अडॉप्शन को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, पर कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस इसको 60 दिन तक इसके ओरिजिनल जो माता पिता है उनकी छानबीन करेगी, ना मिलने की स्थिति में उसको बाल कल्याण अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट अथॉरिटी द्वारा इसके अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बच्चा जिस परिस्थिति में मिला है, उसके रोने की आवाज़ ना सुनने के लिए मुंह में कपड़ा डाला हुआ था, उसको लपेटा हुआ था, ये जरूरी एक मतलब मानवता के लिए एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। जहां लोग औलाद के लिए दर दर भटकते हैं, कभी मंदिरों में तो कभी दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल दहला देने वाली इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो ऊपर वाले के इंसाफ पर भी ताज्जुब होना लाजमी है। ममता को शर्मसार करने वाली इस घटना ने जहां सभी को स्तब्ध कर दिया, तो वहीं हर किसी के जहन में कई सवाल इस बच्चे के जन्म को लेकर हैं कि आखिर क्यों और किसने इस बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता की। बहरहाल नवजात को अब नाम देने के लिए भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं, शायद जिसकी मौत जन्मदाताओं ने चाही उसे बेहतर भविष्य मिल सके। काशीपुर से नाजिम खान, न्यूज ऑल इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।